दिव्यांगों के लिए ₹118 में इलेक्ट्रिक बसों का स्मार्ट कार्ड। माई सिटी रिपोर्टर लखनऊ। इलेक्ट्रिक बसों में सफ़र के लिए अब दिव्यांग स्मार्ट कार्ड बनवा सकेंगे। सिटी ट्रांसपोर्ट ने शनिवार को इसका निर्णय लिया। कार्ड ₹118 में बनेगा, जिसमें ₹100 पंजीकरण शुल्क, ₹18 GST लगेगी। इस रिचार्ज करवाना होगा। कार्ड 1 साल चलेगा। इस कार्ड से दिव्यांग ई बस के हर रूट पर सफ़र कर सकेंगे। जिनमें दिव्यांगता 40 से 80% तक है, उन्हें अकेले बस में यात्रा मान्य है। वही 80% से अधिक के दिव्यांगता वालों के साथ एक सहवर्ती को निःशुल्क सफ़र की सुविधा मिलेगी। सिटी ट्रांसपोर्ट के MD ने बताया कि स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए चारबाग स्टैंड, कमता अवध बस स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए काउंटर बनवाए गए हैं। बताया गया कि मंडलायुक्त रंजन कुमार के दिशा दर्शन के अनुसार ये सुविधाएं दी जा रही है। बताया जा रहा है, बीते साल की तुलना में इस वर्ष 2,40,00,000 की दोगुनी आय हुई है। लखनऊ जंक्शन मेरठ एक्सप्रेस 12 तक निरस्त। लखनऊ परिचालन संबंधी कारणों से लखनऊ जंक्शन मेरठ एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को 12 जून तक निरस्त कर दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, काठगोदाम से चलने वाली मुरादाबाद स्पेशल भी रद्द हो गई है। रविवार को टकनपुर से चलने वाली ट्रेन 1576 टनकपुर शक्ति नगर एक्सप्रेस को टनकपुर से 80 मिनट देरी से चलाया जाएगा। पीलीभीत से रवाना होने वाली ट्रेन 0353 पीलीभीत बरेली सिटी स्पेशल पीलीभीत से 75 मिनट देरी से चलेगी। माई सिटी रिपोर्ट। दिव्यांगों के लिए ₹118 में इलेक्ट्रिक बसों का स्मार्ट कार्ड। धन्यवाद।